अपन परिवार क्यों छोड़ा? परिवार परिवार तो हमने इसीलिए छोड़ दिया कि त्यागी करना था मुझे। त्याग करना था। हाँ, कौन कौन थे परिवार में? हमारे परिवार में दो भाई थे, दो भाभी थी। अच्छा, हाँ, मेरी भी शादी हो रही थी, हमने नहीं की। आपकी शादी? हाँ, अच्छा, हमारे तो पिताजी शादी। भी यहाँ लेने के लिए आए थे, हम फिर हम गए नहीं अच्छा, उनके साथ। वृंदावन तो परमात्मा तो है, ये वो सारी व्यवस्था करता रहता, सारी व्यवस्था आंधी आ करता जाए, रहता। तूफान आ जाए, मैं तो कभी वैसे वृक्ष के नीचे ही प्रतिपाल करता हूँ, चाहे पानी आए चाहे आंधी आए। एक तिरपाल सी है पन्नी की, उसको ऐसा बांध लेता हूँ, बांध के ऊपर लगा के बैठ जाता हूँ। दोस्तों, वृंदावन की धरती पर महान संतों के दर्शन आपको लगातार मैं करा रहा हूँ। ऐसे संत जिनका त्याग, जिनका समर्पण और जिनकी तपस्या अद्भुत है। दोस्तों, फक्कड़दास महाराज जी के दर्शन कराने जा रहा हूँ। वो फक्कड़ परंपरा से हैं। फक्कड़ परंपरा क्या है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उनके जीवन का एक बहुत बड़ा त्याग है। इतना बड़ा त्याग कि जिसने उन्हें जीवन में सन्यासी बना दिया, संत बना दिया, उसके बारे में भी जानेंगे। तो महाराज जी के पहले मैं दर्शन कराता हूँ। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। राधे श्याम। राधे राम जी। महाराज जी, जीवन में आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, परिवार था, घर था, किस बात को लेकर जो है आप संत निकल गए? बस यही बात कि अपना दूसरा ये जन्म नहीं होना चाहिए, दूसरा जन्म नहीं होना हाँ, चाहिए। क्योंकि यहाँ बताते हैं मृत्यु लोक में हमारे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आज से 500 साल 1000 साल पहले जी, कि जो त्याग कर लेता है सही संत भाव पे, ऋषि भाव पे चल जाता है तो मोक्ष हो जाता है, मोक्ष हाँ, की प्राप्ति हो जाती है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। फिर मरना जीना, कोई दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर मर जाओ फिर जी जाओ, उससे बचने का पूरा पूरा वो हो जाता है। परिवार क्यों छोड़ा? परिवार परिवार तो हमने इसीलिए छोड़ दिया कि त्यागी करना था मुझे, त्याग करना था। हाँ, कौन कौन थे परिवार में? हमारे परिवार में दो भाई थे, दो भाभी थी। अच्छा। हाँ, मेरी भी शादी हो रही थी, हमने नहीं की। आपकी शादी? हाँ, अच्छा, तो पिताजी भी यहाँ लेने के लिए आए थे, हम फिर हम गए नहीं। अच्छा, वृंदावन तो शादी आपने क्यों नहीं की? मैं इसीलिए नहीं की कि हमको परेशान हो जाते। 9 बीघा जमीन थी, 3 बीघा हमारे हिस्से में थी, 3-3 बीघा उनके। बड़ा वाला भाई था वो फौजी था जी, तो वो अपनी मद में था और वो अपनी मद में था, तो हमने कि इससे अच्छा मत कोई नहीं है, संत बनो। अच्छा, वो अपने मद में थे? हाँ, मदी में थे, अपनी अपनी मदी का। नहीं, ये खेती के बारे में बता रहे हैं, 9 बीघा खेती थी उसका। हाँ, अभिप्राय क्या? 9 बीघा खेती थी तो उन्हीं को दे दी हमने कि इसको तुम करो। अच्छा, हाँ, हमको चाहिए ही नहीं। पिताजी भी हमारे लेने आए, बेटा जीवन नहीं कटेगा ऐसा। अच्छा, यहाँ आ गए थे? कई साल पहले आ गए थे वृंदावन? 5 साल पहले आए। 5 साल पहले आ गए थे। तो हमने उनसे भी यही कहा है कि अब तुम पिताजी, अच्छा है आपने हमको जन्म दिया, हमारे पिताजी हो, पर अब हमें आप लेने आए, अब हम जाऊँगा नहीं, क्योंकि अब हमने ये परमात्मा के हृदय में विराजमान कर लिया, तो परमात्मा ही की शरणागत रहेंगे। पिताजी ने बहुत कहा, गए बहुत कोशिश करी है, पिताजी भी आए थे, हमारे फूफा जी भी थे। अच्छा। हाँ, छोटा वाला भाई भी था, पर हम गए नहीं, लौटे नहीं, बहुत प्रयास किया। एक चोरी भी छुड़ा ले गए हमारी, ले जाओ उन्हें। क्या क्या सामान? सामान वामान? हाँ, अच्छा, वो सब जुड़ा छुड़ा ले गए, फिर हमने दूसरा सामान मांगा। अच्छा, फिर बन गया। तो ऐसा तो नहीं महाराज जी की काम के बोझ के चक्कर में, दुनियादारी के चक्कर में कि गृहस्थी में जाएंगे तो काम होगा और परिवार का खर्च चलेगा? काम की तो इससे हमको कोई भी टेंशन नहीं थी, हम साधु भी नहीं बनते फिर भी हमारा प्रतिपाल होता, क्यों? अच्छा। हमको जिस बाप ने पैदा किया था उसके हिस्से में 9 बीघा 9 से 3 बीघा तो थी जी, उसमें भी हम अपना प्रतिफल कर लेते, नहीं करते शादी, वह भी हमारा त्याग हो रहा था। लेकिन नहीं, इसमें ये ऐसा है, त्याग में ये बावन के क्या बने त्योहारे, घर घर मांगत खात, और जिन बावन के बने त्योहारे घोर नरक में जात। जो जितने भी जो महंत लोग कहते हैं, हम बड़े बड़े मठाधीश हैं, वो महंत हैं। महंत के एक महंत का नाम एक ऐसा हो जाता है कि अगर ये करनी से चूक गए तो इनको अगले जन्म में जाके कुत्ता बनना पड़ेगा। ये बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, हाँ, ये इनको अगर अगले कर्म जन्म से चूक गए, कर्म से, तो अगले जैसे, जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। हाँ, ये कैसे है, इसकी कौन से धर्म पुराण में है ये? नहीं, वो श्लोक, वो दोहा जो बोल रहे थे, वो बोल कर बताइए। अच्छा, ऐसा है, बावन के क्या बने त्योहारे, घर घर मांगत खात, और जिन बावन के बने त्योहारे वे घोर नरक में जात। बावन का भी त्योहारे नहीं, बाबा तो बने बनाए में रहता है, बने बनाए। अगर जैसे आप बनवा दो कुटिया तो आप कहोगे महाराज जी हमारे अब विराजमान रहो आप। अच्छा, हमारी मर्जी है जितने दिन चलेंगे। आप किसी दिन हमसे कहोगे कि महाराज जी हमारा ऐसा कोई काम कर दो, तो महाराज जी तो किसी के गुलाम तो है नहीं, महाराज जी तो एक ही के गुलाम रहते हैं, सिर्फ श्री हरि विष्णु जी, दूसरे तीसरे को अपन जानते नहीं, ये तो संसार सागर है जी।
वही आप हो, आपको मरना भी है जीना है, पर हम आपके चक्कर में हम अपना जीवन को थोड़ी बर्बाद करेंगे। नहीं तो इसमें जीवन बर्बाद कर देंगे, जीवन बर्बाद यही है। जैसे आपने कही कि आप हमारी बिल्डिंग में रहो महाराज, और एक दो महीने हम आपके पास रहे, दो महीने के बाद में कही महाराज जी आप हमारा थोड़ा सा काम चला दो। अब वो काम चलने में हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है जी। जैसे कोई गौ सेवा हो तो हम कर सकते हैं उसको, कि हमारा धर्म है। अच्छा अब तुम कहो इसमें कि महाराज जी हमारे यहाँ इसको फावड़े को चलाओ। अच्छा। तुम बाबाओं का चलान फावड़े चलाने का धर्म नहीं है। अच्छा। वो तो परमार्थ है, वो परमार्थ है बाबा, तो एक परमार्थ बन जाती है जी। हाँ मानो तो देवों के देव है, और नहीं मानो तो कालों के काल है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, चलते फिरते बाप। अच्छा हाँ, तो महाराज जी ये मतलब इतने 5 साल से यहाँ पर भटक रहे हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, और चप्पल भी नहीं है महाराज जी पैर में, और यही है परमात्मा तो है, ये वो सारी व्यवस्था करता रहता है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं तो कभी वैसे वृक्ष के नीचे ही तिरपाल करता हूँ, चाहे पानी आए चाहे आंधी आए, एक तिरपाल सी है पन्नी की, उसको ऐसा बांध लेता हूँ, बांध के ऊपर लगा के बैठ जाता हूँ, कितनी भी बारिश आए चली जाएगी। अच्छा, बट वृक्ष के नीचे ही हम ब्रजमान रहते हैं। अच्छा, बट वृक्ष के नीचे ही, कोई सा भी वृक्ष हो, अच्छा वृक्ष हो, छाया देख के उसी के नीचे आसन लगा दो। ना हमको सांप का डर है, ना बिच्छू का डर। सांप भी हमारे सामने, आंखों के सामने कई बार आया काला, पर उसने देखा कि ये तो बाबा है, तो वो खुद ही साइड चला जाता। अच्छा, सांप बाबा को पहचानते हैं? हाँ, सब व्यक्ति जानते हैं बाबा को। बाबा को बाबा को सिर्फ दो ही आदमी का डर, एक ही सिर्फ मनुष्य का डर रहता है बाबा को, बाबा से बाकी कोई चीज बोलती नहीं है। नहीं, मनुष्य का डर रहता बाबा को, मनुष्य का ऐसा डर रहता है, 50 प्रवचन होते हैं उनने की महाराज जी हमको ये परेशानी। अब परेशानी तो अब परमात्मा भी को भी बता दिया जाए कि हम भगवान ने, तो भगवान जब उसको मनुष्य को पता चल जाएगा तो वो सारी जीवन की कहानी रोने लगता है। अच्छा हाँ, तो परमार्थ ऐसी अगर सारे जीवन की कहानी एक एक से बताने लग जाए तो बहुत बड़ा संसार है जी। तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना भजन ना वो। तो ऐसा है, 6 घंटे बोलना है, 6 घंटे भजन करना है, 6 घंटे रात में सोना है, और 6 घंटे कम से कम है तो 2-3 घंटे परिक्रमा में चले जाते हैं, 2-3 घंटे मधुकड़ी करना पड़ता है खाने के लिए। मधुकड़ी मतलब क्या होता है? वो भोजन की भिक्षा करना पड़ती है, भिक्षा करनी पड़ती है, उसको हम मधुकड़ी बोलते हैं। मधुकड़ी यहाँ सभी लोग बोलते हैं? नहीं, सबको अलग अलग परिवर्तन है। मधुकड़ी का मतलब? मधुकड़ी का मतलब यही होता है कि आपके घर जाना, हमारा भाई प्रतपाल के लिए दो भोजन, दो रोटी चाहिए। तो ये किसके घर जाते हैं? किसी के भी घर चले जाते हैं, कोई भी भगत जगत दे देता है, सब अपने ही घर तो है, सारे संसार के अंदर जितने भी है सब हमारे ही घर है। तो आपको देख के दे देता है? कोई मने नहीं करने वाला है। अच्छा। 100 में 1-2-4-10 मने करते, पर सभी थोड़ी कर दे। तो महाराज जी ये तो बड़ा कष्टकारी होता होगा, मांगते होगे, आपको टाइम से मिल नहीं पाता होगा। कष्ट को तो इतना बड़ा कष्ट हो जाता है कभी कभी, क्रोध में आ जाते हैं तो कहते हैं कि हे परमात्मा अब क्या होना चाहिए। पर वो परमात्मा एक ऐसी चीज है कि वो क्रोध को भी ठंडा कर देती है। अच्छा। हाँ, अभी जैसे हम आपके पास में गए, आपने मना कर दिया, नहीं दिया, और आगे गए तो उसने भी मना कर दिया, तो फिर हम अपने उसको दोष नहीं लगा सकते हैं, फिर हम अपने आप को ही दोष लगाते हैं कि हमारा भजन में कुछ मिस्टेक है जिसके लिए उसने नहीं दिया। नहीं, हमारा तो एक बार तो छोड़ते था, दूसरे पे ही काम हो जाना था। अच्छा। क्योंकि हम तो अपने आप में इतने मान बनते, समझ में आ रही थी ना जी, किसी के कहने से क्या मान, अपने स्वयं से मान बनते। तो ऐसा नहीं लगता है कि महाराज जी जीवन में गलती की, ये 5 साल पकड़ी कर रहे हैं, इससे बढ़िया घर द्वार रहते हैं, मांग मांग के यहाँ खाओ वहाँ खाओ, पर ऐसा सोच होता है, पर होता कभी कभी होता है। हाँ, जैसे कोई ऐसे कोई 2-4 मनुष्य क्रोध वाले मिल जाए, जैसे कोई, जैसे अभी हम 1 महीना पहले हरिद्वार गए थे कुंभ के टाइम पे जी, तो मेरठ के पहले जाट चौधरियों के गांव पड़ते हैं। वो इतने महान चौधरी हैं कि उनको ये पता चलता है कि यहाँ ये 40 किलोमीटर के टुकड़ा में पूरी मोमडन एरिया है। अच्छा। और ये बाबा पैदल पैदल जो जा रहा है तो इसको भोजन के लिए यहाँ कोई व्यवस्था मिलेगी नहीं। तो वो अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो बुढ़ी मूर्ति हो, चाहे वो जवान मूर्ति हो, चाहे वो मैया हो, पर वो उसको बाबा देखेगा नहीं तो तुरंत बुला के उसको कुछ नहीं तो भोजन करा देगा। अच्छा। हाँ, बाबा भोजन किया, अगर नहीं किया होगा तुमने तो तुरंत तुमको भोजन कराएगा, बढ़िया से बढ़िया, जब वो तुमको
पहुंचाएगा आगे के, अब बाबा तुम जाओ। कौन सा क्षेत्र पड़ता? मेरठ के पहले पड़ जाता है। 40 किलोमीटर क्या पड़ता है? 40 किलोमीटर की जो एरिया है मेरठ सिटी की, सिटी की हाँ, वो वहाँ मोमडन एरिया है, पर जाना वहीं से रास्ता में, जाना वहीं से हरिद्वार के। अच्छा, तो वहाँ पर कोई खाना पीना प्रसादी कुछ नहीं, क्योंकि कोई दे मांग ही नहीं सकते ना, मोमडन एरिया हमारा धर्म ही नहीं। अगर हम मांगने भी चले जाएं तो फिर उधर से हमको यही जवाब मिलता है कि तुम हट्टे कट्टे से थे, तुम तुम्हारे धर्म में जाके मांगो। अच्छा, यहाँ क्यों मांग रहे? हाँ जी, हमारे धर्म में क्यों आए? हम तो मुस्लिम धर्म को देने वाले हैं जी। तो वो हम जैसे भगवान को पूछते हैं, साथ साथ मिट्टी को भी पूछ देते हैं, पत्थर को भी पूछ देते हैं। अच्छा, वो नहीं, वो नहीं, वो किसी को नहीं मानते, वो तो सिर्फ दीवार को पूछते हैं, दीवार को पूछते, और उनका अल्लाह ही धर्म है, अल्लाह ही वो। हाँ अच्छा, अब ये तो भगवान जाने उनका कहना है ये कि अल्लाह धर्म है, हमारा कहना भगवान धर्म है। पर आज से हमने 10,000 साल पहले से हमारे भगवान का नाम चल रहा है, बुजुर्ग लोग बताते आ रहे हैं, उस पे हम प्रतिपाल उसी को मानते हैं हम, और बाकी किसी की। तो उस 40 किलोमीटर की एरिया में कोई ना कोई जाट समाज का या कोई रहता है, कोई भी सही, कोई भी रहता है, वो आपको प्रसाद करा देता है। ये कोई भी महात्मा जा रहा है, किलोमीटर की दूरी में संतों को कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं होगा, और वो मांग नहीं सकते, वहाँ प्रसाद ग्रहण करा, ग्रहण करा के ही भेजते हैं जी। अभी इतना तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है परमात्मा की। तो महाराज जी, ये तो आप लोग की तपस्या का बेकार प्रतिफल है। 40-40 किलोमीटर दूर पर ऐसा हो गया स्थान, जो भारत तपोभूमि, जो भारत ऋषि मुनि जो का देश, जो भारत रामकृष्ण का देश, और उस भारत के उसमें संतों को 40-40 किलोमीटर तक प्रसाद ना मिले, तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है। ऐसा है, अब जी संतों को बताते हैं प्रभु जी के 36 घंटे तक भी भोजन नहीं मिले, नहीं तो एक बार उसको पी जाएंगे वो जी। तो जैसे तिलम लगाने वाला है, तो जलम लगाने वाला होगा तो उसको 36 घंटा तक भी नहीं मिलेगा तो भी उसका चल जाएगा, पर 36 घंटे बाद भोजन होना चाहिए। महाराज जी, ये बहुत बड़ा अपराध है और बहुत बड़ा चिंतनीय विषय भी है कि 40 किलोमीटर दूर तक दूसरे लोग, दूसरे धर्म के लोगों ने कब्जा कर लिया है और आप लोगों को भोजन नहीं मिलता। अगर लोग दीन दया धर्म करके ना दें तो मिलने वाला नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे ही 40-40 किलोमीटर दूर तक कब्जा होता चला गया तो आप लोग तो बाहर हो गए। ऋषि मुनि की धरा, रामकृष्ण की धरा है, जो संत सनातन की धरा, जिस पर सतयुग, द्वापर, त्रेता तीन युग हो गए, कलयुग चल रहा, और उस पर आज संतों की ये स्थिति कि 40 किलोमीटर दूर तक उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, तो काहे का आपका त्याग, काहे की आपकी तपस्या, काहे का आपका संतपन? पर उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उनको मार नहीं सकते हैं, हम उनको समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको तो फिर आपने काहे का त्याग, आप तो त्याग बड़ा तो हमारा यही त्याग नहीं, है तो अपने में कर लिया, अपने में मस्त रह लिए, अपने में सोच लिया कि आप तीन भाइयों खेती बटेगी तो इससे बढ़िया हम संत निकल जाए, अपने मगन, और कह रहे हो कि हम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। यही धर्म, दया ही धर्म है, धर्म नहीं है महाराज जी, फंस गए आप चक्कर में, फंस गए पूरी तरह से। ऐसे तो वो महाराज जी जम्मू कश्मीर भी था, कश्यप ऋषि थे वहाँ पर, पूरा उनका हुआ था। आपकी सही है, कश्यप ऋषि थे, तो वहाँ भी अभी हम गए थे, नहीं जम्मू कश्मीर नहीं, ऋषि के हम जाते रहते हैं जंगल में, बाबा बालकनाथ, बाबा बालकनाथ भी जाते हैं हम, और वहाँ जूनागढ़ के आगे जो हमारे कृष्ण जी भगवान चले गए हैं वहाँ भी जाते हैं, द्वारका देश। तो द्वारका देश में हमको इधर पूरी रास्ता पैदल ही जाते हैं हम, तो पैदल ही बड़ा आनंद है, कोई परेशानी नहीं जी। जो भी मिलेगा महाराज जी, राधे श्याम राधे श्याम, प्रभु जी महाराज जी भोजन किए हुए तो भोजन कर लो जी, अब भोजन किए होंगे तो भोजन क्या करना, नहीं तो भोजन में भजन में ही जीवन गुजारेंगे बस, और क्या लेकिन करना, धर्म है? को जगाएंगे नहीं, राष्ट्र को जगाएंगे नहीं, देश को जगाएंगे नहीं, यही धर्म। 40 किलोमीटर दूरी तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है, राम का नाम नहीं ले सकते, कृष्ण का नाम नहीं ले सकते, ये कौन सा धर्म है? यही धर्म है, दया ही धर्म है, दया। तो आप तो दया दया करते रहो, दया ही धर्म है, कोई अगर हमको काट भी जाए तो हमारा फर्ज यही बनता है कि तुम्हारे कोई हाथ में दर्द नहीं, तो नहीं उस हुआ। दया, उस दया के कारण जो है आपकी संस्कृति, आपका धर्म सब नष्ट होता जाएगा, फिर काहे का नष्ट नहीं हो पाएगा? अरे महाराज जी, कैसे ना, तो हमारा कोई धर्म को नष्ट कर सकता और ना तो कोई मुझे नष्ट कर सकता है, क्यों हम तो परमार्थ हैं, भगवान के हृदय में विराजमान है, ऐसा बताती हैं कुछ कुछ गीताएं के
जो भगवान का एकदम प्रिय हो जाता है भजन के ऊपर, तो उसका भगवान स्वयं भजन करने लगते हैं। भगवान तो भजन, ये बात को अब हम इसलिए नहीं मान सकते कि भगवान के हमारे डायरेक्ट दर्शन नहीं हुए। अब एक ऐसी आत्मा ही परमात्मा समझते रहते हैं कि हाँ भगवान है। लेकिन आप ये कहते हो कि सनातन धर्म और संस्कृति, सनातन धर्म जो है, लेकिन आप ये कहते हैं कि सनातन धर्म रहेगा और उसे नष्ट नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो तमाम देश के प्रदेशों में हो रहा है तो वहाँ तो खतरनाक स्थिति है, सब ठंडी हो जाएगी माहौल के हिसाब से। अब जो सनातन धर्म है वो कहीं ख़त्म नहीं हो सकता, ये चार वर्ण है, ये बहुत विशाल वर्ण है। अच्छा। उनको तो कोई भी नहीं नष्ट कर सकता, जब भी नष्ट होंगे तो परमात्मा की कृपा से ऐन हो जाए। पानी है वो भी एक परमात्मा की प्रकृति है, आग है वो भी एक परमात्मा की प्रकृति है, जिस नष्ट होंगे तो तीन ही चीजों से। नहीं, मैं तो बहुत दूर नहीं जाता हूँ, जम्मू कश्मीर नहीं जाता, केरल नहीं जाता, बहुत दूर तो नहीं जाता हूँ। ये मेरठ वाला जो 40 किलोमीटर स्थान है वही वाला देख रहा हूँ। अच्छा। वहीं पर जाते जाते इतना संत हरिद्वार की तरफ जाता है, 40 किलोमीटर दूर तक उसे कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं, उसको 40 किलोमीटर तक मिलता ही नहीं है। आप कह रहे हो कि अभी जैसे कैसे भ्रष्ट कर लेगा जब तू, अरे हो ही रहा है महाराज जी, 40 किलोमीटर दूर तक तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, नाम नहीं ले पा रहे हो, और वो कह रहे हो कैसे होगा आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ने लेटरिंग में गाड़ दिया तो क्या श्री हरि विष्णु जी ने छोड़ दिया वो सुअर का अवतार धर के साले को एक मारा और अच्छा, कोई अवतार आएगा तो वो धरती को बचाएगा। हाँ, अभी ऐसा लग रहा है कि आज से 20 साल तक हो जाना चाहिए, 20 साल तक हो जाएगा कोई अवतार आएगा। अब धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, अभी इतना तो, नहीं है लेकिन है, रुपया 25% है। अच्छा, तो 20 साल बाद जो है कोई न कोई अवतार, कोई नहीं कोई अवतार जरूर होगा। अच्छा। हाँ जी, तो महाराज जी से त्याग और समर्पण की बात से शुरुआत हुई थी, लेकिन अंत में आते आते महाराज जी ने एक ऐसे विषय पर बात समाप्त की जो विषय बहुत ही चिंतनीय है। महाराज जी जैसे बता रहे हैं कि यूपी के मेरठ में 40 किलोमीटर के दूरी तक उन्हें प्रसाद नहीं मिलता, संतों को प्रसाद नहीं मिलता, और वो मार्ग जो है हरिद्वार के लिए जाता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि संतों को एकजुट होना चाहिए और धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। वृंदावन की धरती से मैं लगातार आप सबको ऐसे ही संतों के दर्शन कराता रहूँगा।